नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कुक विद प्रदीप में। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ है और हेल्थी है। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं, कोविड अभी भी बढ़ रहा है तो मास्क लगाना, सैनिटाइज करना ना भूलें। दोस्तों, इस समय देश में बहुत ही ज़्यादा हालत खराब चल रही है, तो अपना ध्यान रखें, क्योंकि आप स्वस्थ हैं तो परिवार भी स्वस्थ होगा, देश भी स्वस्थ होगा। ओके, तो अब हम चलते हैं रेसिपी की ओर। तो आज हम बनाएंगे सीजनल। आप जानते हैं कि इस समय मैंगो आम जो है सीजनल होता है, इस समय में आता है, तो आज हम बनाएंगे आम की चटनी। तो आइए हम देखते हैं इसके लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। आइए देखें। तो गाइस, ये ले लिए हैं हमने कच्चे आम जिसकी हम चटनी बनाएंगे। तो ये हमने 3 कच्चे आम ले लिए हैं, थोड़े बड़े साइज़ के हैं, मीडियम साइज़ के। तो अब हम इसकी करेंगे कटिंग। तो ये जो ऊपर का जो हिस्सा रहता है तो इसमें हम काट देंगे, क्योंकि इसमें जो है वो थोड़ा इसको पिलर से है। अब हम अच्छे से छिलके आम के निकाल लेंगे, या आपके पास पिलर नहीं है तो आप नाइफ से भी छिलके निकाल सकते हो। तो छिलके हम पूरे ऐसे निकाल लेंगे अच्छे से मैंगो के। तो गाइस, हम ऐसे ही ये सारे आम जो है छिल लेंगे। गाइस, ऐसे ही हम सारे आम के छिलके निकाल लेंगे। गाइस, जैसे हमने ये आम तो छील लिए हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम ले लेंगे एक बर्तन में पानी, क्योंकि जो हमने ये आम हैं, अभी ध्यान रखें हर एक वेजिटेबल को अच्छे से धोएं, और इसको हम अच्छे से धो लेंगे। आम को हम पानी में लेके इसको अच्छे से वॉश करेंगे, धोएंगे, तभी ही हम खाने को बनाएंगे। इससे पहले जब आप मार्केट से कुछ भी वेजिटेबल लाते हो तो वेजिटेबल को पहले भी धोएं, और बाद में जब आप छिल के उसको वो करें तो उसके बाद भी उसको धोएं। तो अब हम इसको इसकी कर लेंगे कटिंग। अब हम छोटे छोटे पीसों में इसको काटेंगे। ये थोड़ा आम पका हुआ है, अगर आप चाहे तो बिल्कुल कच्चा यूज़ कर सकते हो, ये थोड़ा हल्का पक गया है, पर कोई नहीं, चलेगा। इसके हम ऐसे से पीस निकाल लेंगे, तो काट लेंगे। तो ये हम साइड से इसके आम के पीस निकाल लेंगे। ऐसे ही हम सारे आमों के जो हैं पीसेस कर देंगे, काट लेंगे। तो ये हम ऐसे साइज़ इसमें आप कैसी भी कटिंग कर सकते हो, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल कटिंग करनी है। तो इसमें जैसा आपका मन करे, जैसा आपको अच्छा लगे वैसी कटिंग, मोटा रखना चाहो ऐसे ही रख सकते हो, 20 से 1/4 करना चाहो 1/4 कर सकते हो, लंबा चाहे तो लंबा काट सकते हो। ये हमने कटिंग कर ली है सारे आम की। आप चाहे तो आम को ग्रेड भी कर सकते हो, ग्रेड करोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आपके पास ग्रेडर हो तो आप उससे भी आम को ग्रेड कर सकते हो, क्योंकि ये पका हुआ है तो वो उसमें अच्छे से होगा नहीं, इसलिए हमने इसका कटिंग कर लिया। अगर आपका बिल्कुल आम कच्चा है तो ग्रेड ही करें। तो ऐसे कटिंग हम इसकी कर लेंगे आम की। गाइस, ये हो गया है आम कटिंग। गाइस, अब हम ले लेंगे एक कढ़ाई और फ्लेम कर देंगे हम ऑन। और अब हम क्या करेंगे कि इसमें डालेंगे 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। गाइस, तेल हो गया है गरम बहुत ज़्यादा, तो अब हम डाल देंगे इसमें मस्टर्ड सीड। मस्टर्ड सीड हम 1 चम्मच इसमें डाल देंगे, और अब डालेंगे हम इसमें, इसको हम थोड़ी देर ऐसे पकने देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे 5 फोरन।
और फ़ौरन इसमें हम डाल देंगे, इसको भी हम अच्छे से पकने देंगे। पांच फ़ौरन में आपको पता ही होगा इसमें पांच मसाले रहते हैं, इसमें सौंफ रहती है, मेथी दाना रहता है, और इसमें ब्लैक जो जिसको प्याज का जो कलौंजी कहते हैं वो होती है, ये दो तीन इसमें मिक्स होता है, इसको पांच फ़ौरन कहते हैं। तो अब हम इसको पकने देंगे। अब डाल देंगे हम इसमें साबुत लाल मिर्च, इसको हम तोड़ के बीच से ऐसे डाल देंगे और इसको पकने देंगे हम अच्छे। तो हम अच्छे से पकाएंगे और डालेंगे हम इसमें तेज पत्ता, थोड़ा तेज पत्ता डाल देंगे। तेज पत्ते को भी हम मसालों को अच्छे से तेल में भूनेंगे थोड़ी देर। तो इसकी कितनी अच्छी महक आ रही है अभी पक के। तो अब हम जो हमने आम काट लिए हैं, आम को अब हम हम इसको ऐसे तेल में पकाएंगे और थोड़ी सी डालेंगे अब हम इसमें हल्दी पाउडर, बिल्कुल कम डालेंगे, हल्दी पाउडर हम ज़्यादा यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल कम हल्दी पाउडर हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि ताकि जो इसका चटनी का कलर है ये अच्छा देखने में लगे, तो इसलिए हम इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर ऐड कर रहे हैं। और डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा नमक स्वादानुसार, मतलब ज़्यादा नहीं डालेंगे, नमक हम कम डालेंगे क्योंकि ये चटनी जो है खट्टी और मीठी रहती है, हल्की इसमें नमक का फ्लेवर रहता है। इसको हम मिलाएंगे थोड़ी देर भूनेंगे और अब डालेंगे हम इसमें धनिया पाउडर जो हमने एक चम्मच ले लिया है, और एक चम्मच हम इसमें डालेंगे जीरा पाउडर जो हमने जीरा को भून लिया था, जीरा को भून के हमने इसमें बेलन से क्रश करके इसमें हम जीरा पाउडर एक चम्मच ही डालेंगे। और अब हम मसाले को पूरा अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम पानी इसमें ऐड कर देंगे। पानी हम उतना ही ऐड करेंगे जितना हमारे आम है उस हिसाब से क्वांटिटी डालेंगे। तो हमने पानी डाल लिया है इसमें, दो कप हमने इसमें पानी ऐड कर लिया है। तो ये अब हम काफ़ी देर तक इसमें बॉईल होने देंगे, पकने देंगे इसको बहुत अच्छे तरीके से, और इस चटनी को अब हम एक ढक्कन से ढक देंगे थोड़ी देर, जब तक ये बॉयल ना हो जाए तब तक हम ये ढक्कन लगाएंगे। गाइस ये आप देख पा रहे होंगे कि ये जो चटनी है ये अच्छे से बॉयल हो रही है, इसको हम बॉयल होने देंगे थोड़ी देर ताकि जो आम है वो अच्छे से पक जाएं। तो इसीलिए हम इसको थोड़ी देर इसी में पकाते रहेंगे, और ये जब तक ये थोड़ी हल्की थिकनेस आप देख पा रहे होंगे कि ये थोड़ी हल्की हल्की थिकनेस आ रही है, तो इसको हम थोड़ा पानी को भी जो हमने इसमें ऐड किया हुआ है ताकि इसमें थिकनेस आ जाए पकाएंगे हम, जब तक ये आम भी पक जाएगा पूरा, मतलब ये मैश हो जाएगा इसके अंदर पकते पकते, हम इतना इसको पकाएंगे कि ताकि इस पानी में बॉईल हो के ये जो हमने आम काटे हुए हैं ये ऐसे जैसे ये आप देख पा रहे होंगे पक के ये खुद ही मैश हो गया है। तो ऐसे हम इसको पकाते रहेंगे, तब तक हम फिर से दोबारा इसमें ढक्कन लगा देंगे। गाइस ये देख पा रहे होंगे आपकी जो आम है वो अच्छे से मैश हो गया, इसी के अंदर बॉईल हो गया है पूरा। तो ये हमारा तैयार है। अब जो है अब हम इसमें डालेंगे शुगर, चीनी। अब चीनी हम इसमें ऐड करेंगे, चीनी हम स्वादानुसार डालेंगे। अब स्वादानुसार कितनी डालेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली जो हमने आम लिए हुए हैं, अगर आपका आम बहुत ज़्यादा खट्टा है
तो आप उसको अभी आप चीनी डालने के बाद आप इसको टेस्ट करना पड़ेगा। जब आप इसको टेस्ट करें ताकि जो इसका खट्टा और मीठा जो फ्लेवर है वो एकदम लेवल पे होना चाहिए। मीठा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, खट्टा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब खट्टा और मीठा दोनों एक बराबर लेवल पे होना चाहिए। तो इसीलिए अगर आपके जो आपने आम लाए हों वो ज़्यादा खट्टा है तो ज़्यादा इसमें चीनी लगेगी इसको लेवल पे लाने के लिए। अगर आपका आम हल्का मीठा है तो इसमें आप चीनी बहुत ही ज़्यादा आपको कम ऐड करना पड़ेगी। तो ये आपको टेस्ट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि आम जो है इतना आप उसमें चीनी, तो आप उतना ही उसमें चीनी ऐड करें। तो जैसे ये मैं आम लाया हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा खट्टा नहीं है, हल्का खट्टा है, तो इसमें हमें कम ही चीनी इसमें यूज़ किया है। चीनी को अब हम इसमें थोड़ी देर बॉईल होने देंगे, पकने देंगे, और एक बारी हम इसको दोबारा चेक करके इसकी फ्लेम जो है वो हम बंद कर लेंगे। तो जैसे गाइस ये जो है पूरा अच्छे से हो चुका है। तो गाइस ये हमारी जो चटनी है ये थोड़ी ही देर में तैयार होने वाली है। थोड़ा हम चीनी को इसमें अच्छे से पकने दे देंगे, थोड़ा अच्छे से थोड़ी देर बॉईल होने देंगे ताकि पूरी चीनी जो अच्छे से मेल्ट हो जाए, इसीलिए हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे। और गाइस अगर आप इसमें तीखा चाहते हो तो आप इसमें मिर्ची भी ऐड कर सकते हो, खट्टा मीठा और हल्का तीखा आप इसमें मिर्ची ऐड कर सकते हो। अगर कुछ भी और इसमें आपको कमी लगती है कि नहीं मुझे इसमें कुछ और ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। पर आम की चटनी जो है नॉर्मली ऐसे ही अच्छी लगती है, तो वो डिपेंड होगा आपके आम के ऊपर कि अगर आम ज़्यादा खट्टा है तो ज़्यादा शुगर लगेगा, चीनी ज़्यादा लगेगी, अगर आम कम खट्टा है तो चीनी कम। तो गाइस आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी है गर्मियों के लिए, चटनी बहुत अच्छी लगती है खाने के बाद। तो गाइस चटनी जो है तैयार है, इसकी फ्लेम कर देंगे हम बंद और इसको हम साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। आप गर्म भी खा सकते हो, ठंडा भी खा सकते हो, तो आपकी चॉइस है। तो ये हमारी चटनी अभी आम की चटनी तैयार है।